आपको बताते चलें, पीटीआई के उम्मीदवार अख्तर खान कांजू जो हैं वो अपनी कंपेन कर रहे हैं। कंपेन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। आशिक हुसैन कुरैशी के साथ अख्तर खान कांजू मौजूद हैं, मजीद उनसे मालूम करेंगे। जी अख्तर हुसैन कुरैशी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इलेक्शन की तो इस वक्त इलेक्शन की जो सरगर्मी है वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त बाजार में जो है हल्का 160 से तरीक इंसाफ के उम्मीदवार है खान अख्तर खान कांजू साहब। उन्होंने बाजार में शॉप टू शॉप विजिट किया और शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है उनका बाजार में। मजीद हम उनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा, इतनी गर्मी में आप कंपेन कर रहे हैं और आवाम जो है भरपूर आपका साथ दे रही है और इस्तकबाल कर रही है, 25 जुलाई है, क्या कहना चाहेंगे 25 जुलाई के हवाले से? ये तो आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देखिए आवाम को। मेरे ख्याल में आवाम ने तो फैसला दे दिया है, अब 25 को तो इंशाल्लाह पूरा हमारा जिला लोधरा जो है वो पीटीआई का हो जाएगा। आवाम ने फैसला कर दिया है और लोगों की हिम्मतें जवान है। इतनी गर्मी में आप देख लें सारे मेरे साथ फिर रहे हैं और इंशाल्लाह हमने जीतना है और इमरान खान को वजीर आजम बनाना है और पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है। जी इनका यही कहना है कि आवाम जो इस्तकबाल कर रही है, आवाम ने जो है 25 जुलाई से पहले ही जो है अपना फैसला दे दिया है। सिर्फ 25 जुलाई का इंतजार है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो है पीटीआई विन करेगी और इस दफा जो वजीर आजम है वो इमरान खान ही। आशिक हुसैन कुरैशी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।